हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी रेसिपीज़। और मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में पनीर कैसे बना सकते हैं। और ये मलाई पनीर है और ये बहुत ही टेस्टी है। मार्केट के पनीर से तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई मिक्सचर कुछ मिलावट भी नहीं है। बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं घर में और ये बहुत सॉफ्ट है, टेस्टी है। या तो आप सब्जी बनाइए, पनीर की भुर्जी बनाइए, कोई स्वीट डिश बनाइए, या फिर ऐसे ही फ्राई करके बच्चों को खाने को दीजिए तो भी बहुत ही टेस्टी होती है। और चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो ये हमने दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध का मिल्क लिया है। आप भैंस का भी मिल्क ले सकते हैं, उसमें पनीर ज़्यादा आता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं काओ मिल्क खाना, तो इसीलिए मैं काओ मिल्क मैंने यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से उबालना है, बहुत अच्छे से उबाल आने तक उसको हमें वेट करना है। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, 2-3 चम्मच विनेगर काफ़ी है, या फिर आप उसके जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, मतलब खट्टा डालना है और जिससे कि दूध फट जाए। और बस 2 मिनट में ये दूध एकदम फट जाता है, लेकिन इस स्टेज पे आपको बंद नहीं करना है। स्लो हीट में आपको 4-5 मिनट्स अराउंड आपको गैस पर रखना है, नहीं तो क्या होगा कि पनीर कंसनट्रेट नहीं होगा, मतलब सॉलिड नहीं बनेगा, तो ऐसे फट जाएगा। तो फिर उसको आप ऐसे ठंडा करने के लिए रखना है। हम उसको पूरा कूल डाउन होने के बाद ही फिल्टर करेंगे पानी, क्योंकि नहीं तो ये पानी में फैल जाता है एकदम, जब हम डालते हैं ना कपड़े में तो प्रेस हो जाता है, चिपक जाता है और कपड़े के बाहर आ जाता है। तो जितना टाइम आपको लेना है ले जाइए। और फिर हम इसको एक अच्छे से कपड़े का यूज़ करेंगे जो कि साफ़ भी हो और पतला भी हो और किचन टॉवल हो। तो फिर उसमें हमें डालना है सारा पनीर जो है, हम डाल देंगे, जो बचा हुआ पानी है वो भी डाल देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं पनीर के फैले हुए, तो वो हमें वेस्ट नहीं करना है। और हम इसको निचोड़ देंगे बाहर से, ऐसे फोल्ड करके एक निचोड़ देंगे, अच्छे से निचोड़ देंगे और हम लाइटली ऐसे प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, नहीं तो अंदर सब चिपक जाएगा और एकदम पनीर अच्छा नहीं बनेगा, बहुत सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर हमें अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, लाइटली प्रेस करना है, हल्के हाथों का यूज़ करें, ज़्यादा मत दबाएं। तो फिर हम इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे, आप कोई भी हैवी बॉटम कोई भी यूटेंसिल है या कुछ है तो उसमें प्रेस करके 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाएगा और हम इसको देखेंगे। तो चलिए अभी पनीर को थोड़ा निकाल के देखते हैं कि कैसा बना है। तो देखिए ये कितना अच्छे से शेप लेके आया है और हम इसको काट सकते हैं, ये टूट नहीं रहा है, फट नहीं रहा है इतना, और छोटे छोटे पीसेस में हम इसको काट के देखते हैं। ये एकदम सॉफ्ट है और सब्जी में भी सॉफ्ट ही रहता है पकने के बाद, और कोई स्वीट डिश भी बनाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छी बनती है। फिर मुझे तो पनीर बनाना बहुत अच्छा लगता है, और एक बार आप बनाएंगे ना तो आपको बाहर से लेने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, सब यही पनीर की ही डिमांड करेंगे। और अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स जैसे मैंने बताया वो सब फॉलो करेंगे ना, तो फिर आपकी पनीर डेफिनेटली अच्छा ही बनेगा और नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल फेलियर नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी और अगर यूज़फुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।